वो है जिन्हें बचपन में खिलौने के नाम पर किचन सेट पकड़ाकर ये बता दिया जाता है कि बेटा तुम्हें यही करना है। हम वो हैं जिन्हें बचपन में किचन सेट पकड़ाकर ये बता दिया जाता है कि बेटा तुम्हें वो यही करना है। हम वो हैं उस मासूम के सपनों को उसी वक्त चकनाचूर करके, उस मासूम के सपनों को उसी वक्त चकनाचूर करके उसे बचपन से ये सिखाया जाता है, बेटा आगे जाकर तुम्हें अच्छी बहू बनना है। थोड़ी सी बड़े होते ही हर बात पे उसे टोकना शुरू कर दिया जाता है। हर ताने में तुम लड़की हो ये दोहराया जाता है। अरे लड़की हो ऐसे कैसे बैठी हो, लड़की हो सीना तान के मत चलो, हो इतने छोटे कपड़े, जाओ पहले जाके चेंज करो, इतनी बड़ी हो गई खाना बनाना कब सीखोगी, ग्रेजुएशन हो गई ना शादी कर लो कितना और पढ़ोगी। ये कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जो सिर्फ लड़कियों पे लागू होते हैं। दिल से कहूँ किसी की आज़ादी छीनने के लिए इतने टॉन्ट्स काफ़ी होते हैं। इतना सबसे वो जूझ ही रही होती है कि उसकी बची कुची आज़ादी पे रोक लगाने समाज आ जाता है। और ये बात तो आप भी मानते होंगे, घर वालों के कान भरना भला इनसे बेहतर किससे और आता है। तो समाज में भी कुछ आंटियाँ कुछ ज़्यादा कंसिडर्ड होती हैं तो वो आपकी मम्मी से कुछ इस तरीके की बातें करती हैं, आप अपनी बेटी को MBA भी करवाओगी, माफ करना बहन जी पर दहेज के लिए पैसे कहाँ से लाओगी। अरे वो लड़की हक की बात करती है, कैंची की तरह कचकच जवान चलाती है, लिख के ले लो मुझसे, तो ऐसी लड़कियां मंडप से भाग जाती है। इतनी डार्क लिपस्टिक, इतना सारा मेकअप लड़कियों से ज्यादा लड़कों को दोस्त बनाती है। मैं तो कह रही हूं ऐसी लड़कियां होती हैं जो पूरे खानदान की नाक कटवाती हैं। फिर हर लड़की एक पॉइंट पर यह महसूस करती है कि नजर से नजर मिलाने की जगह कुछ लोग नजरें झुकाकर बात करते हैं, और ये नजरें इज्जत पे नहीं हवस में झुकती हैं। कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो लड़कियों को गलत तरीके से छूते हैं। उनके बारे में मैं बस इतना सोचती हूँ, क्या वो कभी ये सोचते हैं कि उनकी इस हरकत से उस लड़की को कितनी घिन हो जाती होगी, जब अगले दिन वो घर से बाहर निकलने के लिए कितना साहस जुटाती होगी। उसके मन में न जाने कितने ही ख्याल आते होंगे जब मन के साफ लड़के भी उसके बगल से निकल के जाते होंगे। इन लोगों से बस इतना कहूंगी कि तुम्हारे घर की लड़कियां सुरक्षित है ना, पर यकीन मान डर उन्हें भी लगता है। पर वो मासूम क्या जाने, इंसान के रूप में एक हैवान उन्हीं के घर में पलता है। तेरी इन हरकतों की मिट्टी से तू अपनी जमीर को कब का मिट्टी में दफना चुका है, तुझ जैसे का तो पता नहीं, पर ये कुदरत ज़रूर रोती होगी, खुदा को भी अफसोस होता होगा जब तेरी इंसानियत मरती होगी। थैंक यू।